अगली खबर, जहां किसानों को उपज की बेहतर कीमतें दिलाने के लिए केंद्र सरकार के बाद अब मध्य प्रदेश सरकार ने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का मॉडल कानून को हरी झंडी दे दी है। इसमें केवल खेती ही नहीं बल्कि सब्जी और औषधीय फसलों को कवर किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने औषधीय फसल और सब्जियों की प्रसंस्करण इकाई लगाएगी और इसके लिए सरकार आईटीसी की सहारा लेगी। आईटीसी के चेयरमैन संजीव पुरी और मध्य प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच हुई बातचीत में यह तय किया गया था कि औषधीय फसलों की खेती करने वाले किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कर बाई बैक व्यवस्था के तहत खरीदी इन उत्पादों का प्रसंस्करण किया जाएगा। नूडल्स में उपयोग होने वाली सब्जी, गाजर, मटर, बीन्स और आलू उत्पादन को प्रोत्साहित किया जाएगा। बाई बैक व्यवस्था से किसानों को इन सब्जियों का